सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आप सबके लिए आज एक बढ़िया सी खुशखबरी लेकर के आए हैं। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि मानदेय में वृद्धि की एक बार फिर से मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा कर दी है। अब ऐसे में आपको अवगत कराना चाहेंगे, लेकिन ये जो भी अब हुआ है और ये जो अब होने वाला है मानदेय में वृद्धि, ये आप सब बहनों की मेहनत का फल है कि आप सब ने सरकार के उस फैसले को कई चुनौतियां दी हैं। ऑल इंडिया ने भी खूब जमकर के आवाज उठाई और उन आदेशों का सच्चाई भी सबके सामने खोल खोल करके रखा और सब बताया कि सहायिका मिनी बहनों को कितना पैसा एमपी सरकार ने बढ़ाया और किस तरीके से कुछ लोग उसको 750 की वृद्धि को 1500 कह रहे थे, लेकिन अब चीजें क्लियर हो गईं। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर मंच पर आकर के 4 शब्द कहे हैं मानदेय वृद्धि के बारे में, तो आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। पहले आप उनकी सुनिए और उसके बाद हम तुरंत अपने इस वीडियो पर आ जाते हैं और इस खबर के अलावा और बाकी और भी कई जानकारियां आपको इस वीडियो में हम पूरी दिखाते हैं। तो पहले आप उनका जो कहना है वो सुन लीजिए। तुम्हारा मानदेय बढ़ाए, जो सहायता है उसको भी 750 नहीं 1500 रुपया उसका भी बढ़ाया जाएगा। अतिथि शिक्षकों और आशा बहनों, अब तुम्हें भी बुलाने वाला हूं, चिंता मत करना, इस बार जिंदगी बदलूंगा सबकी। उसके लिए मैं निरंतर अभियान चला रहा हूं, कोई ना छूटे। जो खटाने का सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से किसी को सड़क पे नहीं रहने दूंगा, हर एक की जिंदगी बेहतर हो जाए इसका इंतजाम तुम्हारा भाई करेगा, प्राण प्रण से करेगा। और इसलिए जनता का भी कल्याण, हमारे जनता की सेवा में लड़े जो हमारे कर्मचारी है उनकी बेहतरी का भी ध्यान रखते हुए अपनी सरकार आगे बढ़ेगी। एक बार फिर मेरे साथ बोलो, भारत माता की। अरे तुम भी तो बहनों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 750 नहीं उनको भी 1500 रुपया बढ़ाया जाएगा, यानी अभी जो बढ़ा था वो 1500 नहीं बढ़ा था, ये 100% सत्य है। और कई बात इन चीजों को ऑल इंडिया ने दोहराया है और इसके लिए जमकर के आवाज को उठाया है। इसके बाद अब आप देख रहे हैं नतीजे आपके सामने हैं। बहनों ने भी, यूनियन ने भी खूब मांग किया कि 750 के बदले 1500 दिए जाएं या उससे ज़्यादा दिए जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा का हक रखती हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री ने मंच पर आकर उस चीज़ को क्लियर किया। इसका मतलब ये है बहनों कि वो समझते हैं कि आपके अंदर और पूरे जो चर्चाएं हैं आंगनबाड़ी परिवार में, ऑल इंडिया में, सब कहीं वो क्या हो रही हैं, बहनें क्या सोच रही हैं, उनको इसके बारे में पता है और उन्हीं चीज़ों को एक बार फिर वो बहनों को साधने के लिए एक बार उन्होंने एक बार मंच पर आकर के घोषणा कर दी कि 750 की जगह उसको 1500 हम बढ़ा देंगे। तो अभी इंतजार करना, नया लेटर आना बाकी है, जब तक आदेश ना आए तब तक 750 ही मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आदेश आ जाएगा, बस उसका इंतजार है सरकार आदेश निकाले ताकि चीजें लिखित तौर पर क्लियर हो और आने वाले फ्यूचर में इन चीजों को लेकर कोई भी समस्या क्रिएट ना हो। अब देखिए ये मैटर भी लिखा मुख्यमंत्री जी ने, स्पष्ट रूप से सहायिका बहनों को संदेश भेजा है कि उनका 750 नहीं 1500 ही बढ़ा है। तो ये नहीं उन्होंने कहा बढ़ा है, ये तो लिखने वाले की जल्दबाजी कहेंगे कि उन्होंने लिखा कि इतना बढ़ा है, बढ़ा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बढ़ाया जाएगा या जो है बढ़ाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। आदेश आया है 750 का ही, 1500 का नहीं आया था, ये समझ लेना। लेकिन मिनी बहनों को लेकर के उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, तो क्या मिनी बहनों का जितना पहले लेटर में था 750 उतना ही रह जाएगा या उनका भी 1500 होगा? क्योंकि मिनी बहने और सहायिका बहने इन दोनों का एक साथ ऐड करते हुए एक ही लाइन में 750 लिखा गया था, तो उम्मीद यह है कि जब सहायिका बहनों का 1500 करेंगे तो मिनी बहनों की
उनको भी साथ में लेकर के वो करेंगे और वो छूटी नहीं रहेंगी। तो अब मेन चीज क्या है, इंतजार करिए उस लेटर का। मुख्यमंत्री जी जो अपनी बात को उन्होंने कहा है, घोषणा किया है, उसको वो कब तक पूरा करते हैं। अब देखो यहां पर उन्होंने ये कहा कि जिला नरसिंहपुर के कार्यक्रम में यह घोषणा आज फिर की गई है, जल्द आदेश भी होंगे विभागों को जारी। समझ रहे हैं, तो विभागों को आदेश जारी होंगे, मतलब यही कि 1500 का नया लेटर आएगा, तो समझना बड़ा है चीजें, ऐसे आप समझ लीजिएगा। जो लिखित तौर पर है माना वही जाएगा फ्यूचर में। रोशनी बहन जबलपुर से, उन्होंने कहा भैया जी मुख्यमंत्री जी पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस महीने का पेमेंट तो दिया ही नहीं, घोषणा पे घोषणा बस करते जा रहे हैं, हमारे यहाँ अभी पेमेंट नहीं आई, ना ही मिनी कार्यकर्ताओं की, ना ही मेन कार्यकर्ताओं की और सहायिकाओं की, बस आ गई है। तो सहायिका की केवल आ गई एमपी में, लेकिन मेन और मिनी की नहीं आई इनके वहां जिले में, बाकी कुछ जिलों में पैसा आ गया था, आपने देखा भी था। खैर जो है सब आपके सामने है, इस पर बाकी लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हो अपना देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन एक ये खुशखबरी है सहायिका बहनों के लिए कि कम से कम मुख्यमंत्री जी इस बात का आभास जरूर कर रहे हैं कि एक बड़ा तबका उनकी इस बढ़ोतरी 750 के बाद से सरकार से नाखुश है और उसी को वो अपना समझ सकते हैं पूरा करने के लिए, और वो उसको एक बार 1500 में कराएंगे तो आदेश आ जाए फिर चीजों की पुष्टि हो। अभी बस ये समझिए नेताजी ने बयान दिया है, घोषणा किया है, और कई स्टेटों में नेताजी बयान तो देते ही रहते हैं, धरा वो चीजें क्लियर अमली जामा जिसको कह सकते हैं सरकारी आदेशों में अगर वो रखा जा सके तो फिर हम चीजों को स्पष्ट रूप से मानते हैं। खैर उसी का इंतजार रहेगा, भरोसा मुझे पूरा है एमपी सरकार पर, वो लेटर जारी जरूर करेंगे। आगे चलते हैं और देखिएगा, सेवा में श्रीमान निदेशक बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, मैटर थोड़ा गंभीर है। यहां पर मैटर को किसने भेजा है, सुशीला देवी बहन है और ये है सुपरवाइजर यानी मुख्य सेविका हैं। अब ऐसे में सुशीला बहन मुख्य सेविका और ये परियोजना कैंपियरगंज से आती हैं जो कि जनपद गोरखपुर में पड़ता है। इनके सामने दरअसल कुछ समस्याएं हैं और उन्हीं समस्याओं को उसी में जांच कराने को लेकर के उन्होंने निदेशक महोदय को एक ये पत्र, शिकायती पत्र अपना भेजा है और उनके साथ जो भी उत्पीड़न हो रहा, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है दबंग कार्यालय लिपिक के द्वारा, ऐसा उनका आरोप है, तो उसी संबंध में वो चाहती हैं कि जांच कराई जाए और फिर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो उसी संबंध में उन्होंने लिखा कि आपके अधीन कार्यरत मनबड़ व दबंग कार्यालय लिपिक के उत्पीड़न व तानाशाही रवैया व संदिग्ध आचरण व भ्रष्ट क्रियाकलापों की जांच और कानूनी कार्रवाई के संबंध में। तो विषय तो काफी लंबा चौड़ा है, काफी यहां पर आरोप है, समस्याएं हैं, अब उनकी जांच कराना विभाग की प्राथमिकता है, तो विभाग और प्राथमिकी का यही कहना है जांच कराई जाए, कानूनी कार्रवाई हो। तो माननीय निदेशक महोदय तक अगर आवाज हमारी जा रही है तो इस मामले में संज्ञान लिया जाए, जो भी समस्या है वो कानूनी दायरे में आकर के जांच हो, उसके बाद जो है कार्रवाई हो। अब सुनिए प्राथमिकी की समस्या क्या है, वो क्या आरोप लगाना चाहती है और या उन्होंने लगाए हैं अपने इस शिकायती पत्र में जो निदेशक महोदय को उन्होंने भेजा है। लिखा गया है, विनम्र निवेदन है कि प्रार्थनी श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री राम केवल, उम्र 52 वर्ष, दलित वर्ग की अनुसूचित जाति ब्रैकेट में चमार, उन्होंने लिखा है ये चीजें, आपके बाल विकास परियोजना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मुख्य सेविका पद पर कार्यरत होकर के निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक अपने पद का समय से निर्वहन करने व उक्त कार्यालय में विगत जून 2022 से कार्यरत मनबड़ व दबंग कार्यालय लिपिक गोविंद श्रीवास्तव, जो अपने को प्रदेश स्तर का बड़ा नेता होने का धौंस के तहत हम प्रार्थनी को अपने अदब में लेने व मनमाना अनावश्यक कार्य लेने के तहत अश्लील हरकत करने व जानबूझकर उत्पीड़न करने व दलित वर्ग का होने के नाते प्रार्थनी काफी बर्दाश्त करने से इनका आतंक और उत्पीड़न बढ़ जाने, इसके मनमाने दुर्व्यवहार से काफी परेशान होने और घटना 5 जुलाई दिन बुधवार के दिन
3 बजे लगभग की है। प्रार्थनी अपने पति के साथ क्षेत्र से वापस आने व विभाग के प्रेरणा ऐप न खुलने पर विभागीय सरकारी कार्य अवरुद्ध होने के नाते अपने पति द्वारा कार्यालय में मौजूद श्रीमान बाल विकास परियोजना अधिकारी कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश से संपर्क व जानकारी लेने पर बगल कमरे में मौजूद उक्त मनबड़ व दबंग कार्यालय लिपिक गोविंद श्रीवास्तव द्वारा जानबूझकर सीडीपीओ के चैम्बर में आ जाने व मौजूद मुख्य सेविकाएं व अन्य लोगों के समक्ष हम प्रार्थनी के पति से अनावश्यक वाद विवाद करने से नाराज होकर उक्त सीडीपीओ अधिकारी महोदय द्वारा जब चैम्बर से बाहर चले जाने पर उक्त लिपिक के द्वारा चैम्बर के बाहर हम प्रार्थनी के पति को जानबूझकर जाति सूचक शब्दों चमार सियार चमरिया इसकी जाति शब्दों से अपमानित करने व गाली गलौज करते हुए कहे कि नीच जाति के हो नीच बनकर ही रहो अन्यथा कई तरह से तुम्हें व तुम्हारे पति को जानबूझकर ऐसा फंसा देंगे कि नौकरी करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। प्रार्थनी दलित वर्ग का होने के नाते इनके मनमाने तानाशाही उत्पीड़न से काफी भयभीत और परेशान व अकेले में हम प्रार्थनी को अपने कार्यालय में भी जानबूझकर बार बार उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। प्रार्थनी ऐसे चरित्रहीन कार्यालय लिपिक के संदिग्ध आचरण और भ्रष्ट क्रियाकलापों की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए लिखित प्रार्थना पत्र आप श्रीमान जी को दे रही हैं तथा जान माल की सुरक्षा भी चाहती हैं। अस्तु आप श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्रकरण की गंभीरता को अपने संज्ञान में लेते हुए जांच व दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा जान माल की रक्षा करने की महती कृपा करें, महान कृपा होगी सादर सहित 14 जुलाई को। ये उन्होंने लिखा, नंबर भी दिया है, सब कुछ है। ये प्रतिलिपियां उन्होंने अपने वहां डीपीओ को भी भेजी और बाल विकास परियोजना अधिकारी कैंपियरगंज को भी, जिलाधिकारी को भी, मुख्य विकास अधिकारी को भी, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन को भी, माननीय अध्यक्ष जी महिला आयोग को भी, माननीय अध्यक्ष जी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी। तो यहां पर देखिए, अब इसमें एक बात ऑल इंडिया कहना चाहेगा, देखिए इन चीजों की पुष्टि ऑल इंडिया नहीं करता, प्रार्थनी की समस्या को ऑल इंडिया की बात को उठाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इस मामले में विभाग से ऑल इंडिया की यही जो है मांग है कि वो इस बारे में जांच करें। ऑल इंडिया भी यही चाहता और प्रार्थनी भी यही चाहती कि इस बारे में कानूनी कार्रवाई हो जाए, यानी जांच हो फिर कानूनी कार्रवाई हो जाए, तो पहले जांच जरूरी है। तो ऐसे में विभाग इस पर संज्ञान ले। प्रार्थनी काफी चिंतित हैं, डरी हुई हैं और उनको जान माल की सुरक्षा की भी चिंता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि वो एक जो है उनका कहना है कि वो अनुसूचित जाति से आती हैं, इस वजह से उनका वहां पर ज्यादा जो है यहां पर दिक्कत हो रहा है। खैर जो है वो सब आपके सामने है, इस मैटर को भेजा भी है। कैंपियरगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आती हैं और उन्हीं सुपरवाइजर बहन ने जो सुशीला देवी हैं और काफी समय परेशान है, कई कॉल उन्होंने आप देख सकते हैं ऑल इंडिया को किए भी हैं, लेकिन ऑल इंडिया के भी कुछ रूल हैं कि जो है कॉल वॉल से बातें नहीं होती हैं, क्योंकि चीजें ये संभव नहीं है। कई हजारों की तादाद में लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं और सैकड़ों की तादाद में मैसेज डेली आते हैं, अब ऐसे में कॉल भी बहुत सारी आती हैं, तो आप सब समझ सकते हैं कि कॉल रिसीव कर पाना वो संभव नहीं हो पाता। खैर और काल से कोई अपनी समस्या बताएगा भी तो हम यहां पर मैटर में लाएंगे तब तक भूल जाएंगे, क्योंकि डेली सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनते हैं। अब ऐसे में आप समझ रहे होंगे कि वो चीजें फिर याद रख पाना मुश्किल हो जाएगा, तो यही कुछ नियम है, कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि अगर अपनी समस्या को भेजना है तो लिखित तौर पर भेजें, जिसके साक्ष्य कुछ समय तक वहां पर बने रहें और हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब हमें टाइम मिल पाए तो हम आसानी से उन चीजों को देख पाएं और बढ़िया तरीके से ऑल इंडिया पर उन मैटरों को ले पाएं, आपके ही जो शब्द हों अक्षरशा जो आपकी समस्या हो वो हम यहां पर बता पाएं। अब फोन से कोई अपनी बात कहेगा, 4 शब्द याद रहेंगे, 4 नहीं रहेंगे, वो कुछ और कहेगा हम कुछ और कहेंगे, या कुछ और कहेगा हम समझेंगे कुछ और, तो ऐसी दिक्कतें फिर आ जाएंगी। तो इन्हीं चीजों के संज्ञान में ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, समझने वाले इन चीजों को समझते हैं और नहीं समझने वाले नहीं समझते, उनको लगता है रिसीव नहीं कर रहे हैं या यूट्यूबर हो गए, बहुत सारे लोग आते हैं तरह तरह की फिर बातें करने लग जाते हैं, लेकिन रीजन इसके यही है कि एक अकेला इंसान ये हर एक चीज हैंडल नहीं कर सकता, फिर भी हम कोशिश अपनी तरफ से पूरी करते हैं। अब मामले ऐसे हैं, देखो हम जो करते हैं वो सब पर्सनल करते हैं, यानी खुद से करते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर हमें अपनी बातें अपने हिसाब से रखने में
ज्यादा सही लगता है, किसी इंसान पर ये काम सौंपे जाए कि आप मैसेज चेक करिए, जो आए वो करो, ये करो, तो फिर वो फिर सही नहीं लगता। पता नहीं अगला क्या सोचता हो, कैसे करता हो। इसीलिए जो जिम्मेदारियां मैंने उठाई हैं वो बखूबी अपने ही कंधों पर रख करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। खैर, जो था सुपरवाइजर बहन की समस्या का वो आप सबने देखा। इस मामले में ऑल इंडिया फिर यही दोहरा रहा है अपने शब्दों को कि जांच करा ली जाए, निदेशक महोदय इस पर संज्ञान लें, और प्रार्थनी को भी अगर आप जो है परेशान है, ऐसी सिचुएशन आपके सामने है तो महिला आयोग को जरूर शामिल करें। नंबर आता है उस पर भी आप कॉल कर सकती हैं, शिकायत दर्ज कर सकती हैं, और भी ऑनलाइन कई तरीके होते हैं। बाकी आपने आवेदन किया है, जो भी जहां प्रतिलिपियां सौंपी हैं वो भी एक अच्छी बात है। मुन्नी बहन है शाहजहांपुर से, अब आपको बताते हैं कुछ और चीज़ें। मुन्नी बहन ने कुछ फोटो भेजी हैं और एक फोटो उनकी बेटी की है। उन्होंने कहा है, मेरी बेटी अनुष्का वर्मा को आज जिले पर सम्मानित किया गया है सुरेश खन्ना के द्वारा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑल इंडिया परिवार की तरफ से, और आप सब भाई बहन भी शुभकामनाएं दीजिएगा ताकि बेटियां ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और अपना अपने साथ साथ अपने उज्जवल भविष्य के साथ साथ अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों का, रिलेटिव का, सबका अपना नाम रोशन कर पाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे चलते हैं और कुछ बताते हैं, जैसे कि आज वृक्षारोपण किया गया तो कहां कहां से मैसेज आए। ये आयशा बहन है, रामपुर से आती हैं, उनके वहां से उन्होंने एक ये फोटो भेजी है और यहां भी बहनें पेड़ लगा रही हैं। तो आगे ले चलते हैं और बताते हैं। देखिएगा यहां पर खैर फूल वूल वाली चीजें लगाई जा रही हैं, लेकिन कोशिश बहनों करिएगा कि फलदार चीजें लगाएं, बड़े वृक्ष लगाएं, यानी पेड़ लगाने वृक्ष टाइप वाले, जो आगे चल करके वृक्ष बने, यानी पेड़ बने बड़े। तो आगे इन्हीं चीजों को ध्यान रखना कि ये फूल वूल वाली चीजें तो चलिए सही है, लेकिन पेड़ लगाने हैं। पेड़ का तात्पर्य समझ रहे ना, वो क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, बड़े पेड़ों की बात हो रही है, तो वो लगाने चाहिए। और बताया भी गया था, विभागों को सौंपे भी गए थे कि जैसे आंगनबाड़ी बहनों अपने विभाग को सहजन के जो है पेड़ का लक्ष्य दिया गया था, बहनों ने लगाया भी है कई जगह, नहीं अगर मिल रहे हैं तो और कोई लगाओ, लेकिन थोड़ा बड़ा साइज का लगाओ, फलदार लगाओ, अच्छी चीजें हैं। उमा बहन है कानपुर से, अब देखिएगा यहाँ पर ये सब बहनें अपना ये भी कुछ लगा रही हैं, लेकिन ये पौधे भी बहनों कैसे हैं, ये फलदार नहीं है। तो देखो हमारा कर्तव्य क्या है, जो है वो आपके सामने कहना। अब जो कमियां निकलती हैं, कमियां अगर हम दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो उनमें सुधार नहीं होगा, फिर आगे क्या होंगी वो चीज़ें दिक्कत करेंगी। और हम यहाँ एक परिवार जैसा है, हम कहेंगे तो बुरा नहीं लगना चाहिए। और वहीं अगर आपने मान लीजिए ये चीज़ें लगाई, कोई विभागीय अधिकारी या कोई ऊपर से कोई अगर कुछ कहे कि ये क्या है, पेड़ लगाने की बात हो रही थी, ये फूल पौधे वाले इनमें उनमें अंतर है, लगाइए, ये भी मैं नहीं कहता नहीं लगाइए, गार्डनिंग करिए, घर में करिए, वो एक सजावट, सुंदरता, वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन आज वृक्षारोपण का मतलब वही था, पेड़ लगाइए, बढ़िया वाले, थोड़े बड़े वाले, फलदार वाले। किरण बहन कानपुर से, अब देखिए इन्होंने कितना अच्छा किया, इन्होंने नींबू का वगैरह शायद पेड़ लगाया है, और ये देखिए ऐसे पेड़ आप लगा सकती हैं, वो चीजें हैं। और दीपा बहन है संबल से, देखो इन्होंने भी क्या किया, नींबू का पेड़ लगाया है यहां पर भी, तो ऐसे पेड़ लगाने चाहिए। अर्सिया खातून बहन है कन्नौज से, इन्होंने शायद सहजन का डाल लगाया है, हाँ लग तो वही रहा है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये लगाओ, नीम के लगाओ, आम के लगाओ, अमरूद के लगाओ, यानी बड़े लगाओ। ऐसा खातून मैन आजमगढ़ से, इन्होंने देखिएगा एक ये लगाया है, शायद लगाया है या पहले से ही गमले में लगा है, पानी डाल दिया गया, फोटो ले ली गई, खैर ऐसे मैटर आते रहते हैं, लेकिन फिर भी देखो ये इस ये सोच करके मत लगाओ, विभाग ने काम सौंपा है तो करना है। और पेड़ तो देखो गांव में इधर उधर हो ही जाते हैं, सहजन का नहीं है तो कोई और होगा, कोई दूसरे ही लगा लो अगर मिल जाए, और मिल तो जाते हैं इधर उधर से। अब जिम्मेदारियां देखो सौंपी सबको गई थी, विभागीय अधिकारियों को, वन विभाग वालों को, तो लेकिन काफी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, जिसके कारण से दिक्कतें आती हैं। वृक्षारोपण दिवस मनाया गया श्याम कली बहन, उनके वहां पर देखो उन्होंने भी पेड़ लगाया। ये एक बहन है, इनका नाम है तारा सिंह रायबरेली से, वो भी देखो बड़ा पेड़ लगा रही हैं। अमृता बहन है बलिया से, इनके वहां पर भी कुछ का किसी चीज का पेड़ लगाया जा रहा। ये हैं जो है दमयंती रायबरेली से, वहां से उन्होंने पपीता का शायद लगाया है, और एक और ये साथ में शायद कोई दूसरा पेड़ लगा रही हैं। साथ ही कुसुम बहन है मऊ से, उनके वहां पर ये देखे सहजन का डाल लगाया, क्योंकि इसका डाली भी चल जाएगा, यानी कहीं आप तोड़ लीजिएगा तो वो भी आप अगर लगा देंगे तो वो भी चल जाता है। साथ में ये मालती देवी हैं फिरोजाबाद से, उन्होंने तो अपना ये संचारी वाला कोई कार्यक्रम किया या टीकाकरण हो रहा होगा तो उसका फोटो डाला था। सुधा है सिद्धार्थनगर से, वो अपने सेंटर पर बच्चों को कुछ सिखा रही, वो वाला डाला है। हेमलता बहन है मैनपुरी से, वो भी देखो पेड़ लगा रही हैं। और इनके अलावा
यहाँ पर आज के फिर हम इस वीडियो को यहीं रखेंगे और अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, कुछ और बहनें हैं, जैसे ये बहन है अनीता कुमारी, कासगंज से आती हैं, उमेश चंद मौर्या भाई जी वहाँ से, उनके वहाँ से एक फ़ोटो आई, कुसुमलता बहन मथुरा से बच्चों को पढ़ा रही हैं वहाँ से फ़ोटो, राधा बहन औरैया से, इनके यहाँ से भी एक फ़ोटो आई है। और इसी के साथ अब हम इस वीडियो को यहीं रखते हैं। धन्यवाद।